हाँ देखो आप ये वाले एग्जांपल और देखो तो y इक्वल्स टू 4 sin ओमेगा t प्लस 30 माइनस 3 sin ओमेगा t माइनस 60, ठीक है, ये आपका y1 प्लस y2 लिखा हुआ है। तो आपको कंडीशंस अगर आपने ध्यान से सुनी है कल का लेक्चर तो आपको जरूर पता होगी कि दोनों साइन के बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों साइन फंक्शंस के बीच में पॉजिटिव साइन होगा तभी आप वो फंडा लगा पाएंगे क्या वेक्टर एडिशन कर दे, तो नहीं है तो फिर बना लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री आती है, साइन माइनस को हटाने के लिए प्लस पाई कर दिया तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब ये पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया बिल्कुल, अगर आपने माइनस साइन हटाया, ठीक है ना। अब दोनों में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है तो एक 4 आ गया एक 3 आ गया और दोनों का रिजल्टेंट 5 इधर आ जाएगा। अब 4 वाले से आप थीटा एंगल ले रहे हैं तो 4 वाले की फेज में आप कितना करेंगे प्लस 37 का, तो कितना आ गया 5 साइन ओमेगा टी प्लस 67 आपका एक साइन फंक्शन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से दो अलग अलग साइन फंक्शन लिखे हुए हैं तो आप उन्हें सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन SHM में कैसे आता है कि दो SHM एक ही पार्टिकल पर अप्रोच कर रही है तो रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड बताओ, तो ये रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड हो जाता है, रिजल्टेंट SHM की फेज बताओ तो ये रिजल्टेंट SHM की फेज हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे साइन ओमेगा टी प्लस 30 कॉस ओमेगा टी, अब ये एक साइन और एक कॉस ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे इसको साइन में या कॉस में कन्वर्ट करें, तो इसको आप लिख दो साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो फिर से आपको बहुत क्लियर है अब कि दो SHM है जिनके में दो वेक्टर्स बनाओ 6 और 6 मैग्नीट्यूड जिनका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, 6 और 6 है आपका, तो 6 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6, दूसरे का भी 6, बीच का एंगल कितना लेंगे जितना ये जो फेज डिफरेंस है साइन के आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसमें जितना डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 60 डिग्री का, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6, दूसरे का 6, बीच का एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट आपका इस 6 से 30 डिग्री एंगल पे रहे, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इस 6√3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 30 आ गया, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको, 6√3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 ये हो जाएगा आपको। नो सर, बात क्लियर है सबको, कैसे दो साइन फंक्शन या एक साइन एक कोसाइन या दोनों कोसाइन सबको आप एक सिंगल साइन या कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते, ठीक है। तो ये सिंपल मैथ्स ही आपकी, अब ये मेथड आपको हमेशा ध्यान रखना है विद द 3 कंडीशंस इन माइंड कि आप उनको वेक्टर्स बनाए, वेक्टर को जैसे जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे रिजल्टेंट निकाल लें तो वो आपका AR आ जाएगा, और फेज निकालने के लिए रिजल्टेंट किसी भी वैक्टर से कितना एंगल बनाता है ये वैक्टर एडिशन से आपको, ठीक है, बात क्लियर है सबको एकदम ये। अब सेम मैग्नीट्यूड था तो 2f cos अल्फा बाई 2 लगा दिया, उससे सही कह रहा है, सेम मैग्नीट्यूड में वेक्टर एडिशन क्या आ जाता है 2f cos अल्फा बाई 2, तो 2 6 cos 60 बाई 2 6√3 आ गया, ठीक है। रूपाली कोई दिक्कत तो नहीं आपको इस तरह के दो साइन को एक साइन में कन्वर्ट करना, क्या बेटा?